मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। आज मैंने थोड़ा सा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर समय कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, और आज भी वही है। एक गेस्ट सॉन्ग, एक स्पेशल सॉन्ग शूट कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा कुछ नया किया हमने, और मेरे मुख में भी मैंने थोड़ा सा काम किया है कि कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि आपके हमेशा लुक्स की काफी तारीफ होती है, दीदी का जलवा ये जो कॉस्ट्यूम है, ये आप खुद डिजाइन करते हो या आपको डिजाइनर से? नहीं, डिजाइनर से तो मिलता है, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। मेरा भी कहीं ना कहीं सजेशन होता है, हमारी डिजाइनर का भी होता है, तो ये एक टीम वर्क है, सबका थोड़ा 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 योगदान होता है। जो गाने आज शूट हो रहे हैं, कुछ उस बारे में बताइए। फिल्म का नाम है नरसिम्हा। प्रिंस सिंह जी इसके हीरो हैं और प्रोड्यूसर हैं खान साहब और रमेश जी, और डायरेक्टर जो है, जो आप सबके फेवरेट और इवन मेरे फेवरेट, जिन्होंने आप सबको लुलिया दिया है, सुजीत सर। फिर उनके साथ मैं काम कर रही हूँ और मजा आने वाला है आज के दिन। प्रिंस के साथ आपकी पहली बार पेयरिंग है? जी नहीं, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने एक और सॉन्ग शूट कर चुके हैं, गेस्ट सॉन्ग ही किया है, विदाई 2, और वो जब भी आएगी आप सबको देखने को मिलेगा। मतलब नरसिम्हा में सिर्फ एक गाना करनी है लुलिया? जी, हालांकि फिल्म करने का था, लेकिन क्या है ना कि कुछ नयापन, और मैं चाहती थी, इवन प्रिंस जी भी चाहते थे कि कुछ और धमाकेदार कहानी के साथ हम दोनों आए, और ये गाना हालांकि अचानक से प्लान हुआ, और जो अचानक से होता है वही हिट होता है। तो आपने गाना पहले भी किया था प्रिंस के साथ? जी हाँ। एक एक्टर होना अलग होता है, डांसर होना अलग होता है, डांस फ्लोर पे आप कैसे पाती हैं प्रिंस सिंह राजपूत को? बहुत ही मेहनती इंसान है, नो डाउट। मुझे उनकी पर्सनालिटी से लेके उनके लुक तक बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं, और अगर जो स्टेप उन्हें नहीं भी आता है, वो कोशिश करते हैं कि 100 टाइम करके, रिहर्सल करके, लेकिन उस चीज़ को 100% परफॉर्म कर पाए। उसकी कोरियोग्राफी है, और क्या नयापन लगा आपको इस स्टेप में? कोरियोग्राफी जो है हमारे संजय कोरबे हैं, उनको मैं भैया प्यार से बुलाती हूँ, और मोना दी है, और नयापन ऑब्वियसली अगर लुलिया है तो कुछ तो नया होगा ही, वही आपको कुछ अतरंगी देखने को मिलेगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब फिल्म रिलीज होगी और जब आप सब जाएंगे और फिल्म को प्यार देंगे और अपनी इस लुलिया को और भी ज्यादा प्यार देंगे। बट इस बार पवन सिंह नहीं है? इस बार पवन जी नहीं है, लेकिन देखिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सारे एक्टर के साथ काम करूँ, सबके साथ काम करूँ, और ये तो दर्शकों का प्यार है, मेरा दूसरा परिवार है, जो मुझे हर लोगों के साथ एक्सेप्ट करता है, हर हीरो के साथ एक्सेप्ट करता है। सो पवन जी के साथ भी बहुत जल्दी मैं वापस फिल्म करने वाली हूँ। अच्छा, लुलिया उस गाने में कुछ मांग रही थी, इस गाने में क्या मांग रही थी? इस गाने में भी आप समझ लीजिए कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, एक्चुअली लुलिया को बॉयफ्रेंड चाहिए, तो लुलिया बॉयफ्रेंड का डिमांड कर रही है। अरे वाह, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए आपको? देखिए मुझे कैसा भी चलेगा, बस ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट लॉयल इंसान हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, और वो बंदा मुझ पे ट्रस्ट कर सके। लड़का कलर मैं रेसिज्म नहीं करती, तो कलर कुछ भी चलेगा मुझे, मतलब साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, बस दिल साफ और कुछ नहीं। तो एक लगे आप मोबाइल नंबर भी अनाउंस कर दीजिए कि जो लोग कैंडिडेट्स हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए जो लोग कैंडिडेट्स हैं, मेरे एक भाई हैं आनंद भाई, उनका नंबर मैं आपको अपने स्टेटस पे डाल दूंगी, प्लीज उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जिनको भी मुझसे बात करना होगा, प्लीज आनंद भाई को जाके फोन कीजिएगा, आपकी बात मुझसे हो जाएगी। पता चला मेरे को एक दिन में 1000 फोन आने लगे। तो अच्छा है, देखिए आपका भी आपको भी बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आपके लिए भी तो अच्छा है। अरे वाह, थैंक यू, आप मेरा इतना अच्छा सोचते हैं, थैंक यू सो मच। भाई भाई का फर्ज बनता है। यस ब्रदर, आप बताएं अपकमिंग मूवीज। अपकमिंग मूवी में है 11 तेरी यारी, जो बहुत जल्दी प्रदर्शित होने वाला है, और मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म दिलवर, जो 24 तारीख को रिलीज होने जा रहा है बिहार और झारखंड में, मई में। तो आप सबसे गुजारिश है, प्लीज दिलवर को खूब सारा प्यार दें, बिकॉज इतने फिल्मों में वो जो स्पेशल आप बोल सकते हैं, दिलवर मेरी एक स्पेशल फिल्म है, और मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सब उस फिल्म के साथ कनेक्ट जरूर होंगे। नतीजा प्रचार करने नहीं गई? बिकॉज मैं कहीं और अलग अलग कमिटमेंट में बिजी थी, फिल्म में बिजी थी, रिलेशन, फैमिली रिलेशन में बिजी थी, तो मैं मौका नहीं मिल पाया, और अभी अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। मतलब 2024 में प्रचार करेंगे? पक्का करूंगी, पक्का 110%। ये लिख लीजिए, क्या भरोसा, अभी तो मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या भरोसा 2024 में मुझे इंटरेस्ट भी आ जाए। मतलब हो सकता है 2024 में लुलिया भी। यू नेवर नो, यू नेवर नो। संजय जी और कुछ पूछना है? इनकी शादी हो रही है? शादी हो रही है, तो आपको तो सबसे पहला मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि कमेंट बॉक्स में संजय जी है, संजय भूषण जी, उनको प्लीज
कंग्रेचुलेशंस दें, बिकॉज उनकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे, तो आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो बोलिए, थैंक यू बोल दिया। अब मुझे नया क्वेश्चन जवाब दीजिए। आज प्रिंस जी के साथ शूट कर रही हैं जी, पहले भी फिल्म शूट कर चुकी हैं, पहले और अभी में क्या अंतर हो है? बहुत ज्यादा उन्होंने वैसे तो मेंटेन है ही, लेकिन और ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं, और ज्यादा माचो दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनका लुक। फिल्म का नाम है नरसिम्हा और इससे बॉलीवुड में फिल्म आ चुकी है जी, सनी देओल जी थे। क्या कुछ खास है टाइटल को लेकर? देखिए, टाइटल इतना पावरफुल है, मुझे तो टाइटल से ही मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गई हूँ, और कुछ यही आशा करती हूँ कि जितना अट्रैक्टिव टाइटल है उतनी ही अट्रैक्टिव फिल्म होगी और उतना ही जबरदस्त फिल्म होगा। सिंगर कब बनेंगी निधिजा? सिंगर टाइम है अभी, मैंने बताया ना कि जब मुझे लगेगा कि मैं सिंगर बन गई हूँ तो मैं जरूर अनाउंसमेंट करूंगा और मैं आपको ही फोन करूंगा। आज गाना गाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। निधि जी, आपका जब गाना सुपर डुपर हिट होता है तो सिर्फ निधि झा को लोग देखते हैं, उसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिक्स राइटर, सबको पता नहीं होता है? नहीं नहीं, सबको पता होता है। ये तो निधि को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने इतना प्यार किया, लेकिन निधि को इतना उभारने के लिए हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, छोटे बाबा हुए, ओम झा जी हुए, और बहुत सारे जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन दिल से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि वही बहुत मेहनत करते हैं रात रात भर जगकर ताकि हमें वो गाना दे सके जो आप सबको पसंद आता, तो आप सबको बहुत बड़ा धन्यवाद है। आपके साथ मम्मी आए, कुछ कहना चाहेंगे मम्मी पर? मम्मी मेरी सपोर्ट सिस्टम है, मम्मी मेरी पावर है, और हमेशा मम्मी रहती है तो वहाँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। थर्मामीटर कौन अभी? ये क्या क्वेश्चन? सेट पर हमेशा जाती है तो आपकी माँ अक्सर आपके साथ शूट में देखी जाती हैं। निधि जा हमेशा शूट पर अपनी माँ को क्यों लेके जाती हैं? बिकॉज आई फील मम्मी तो मेरी माँ है ही, लेकिन उनसे ज्यादा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील होती हूँ, बिकॉज मुझे अगर कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प करती है, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सेफ। कहीं निधि जा को डर तो नहीं लगता कोई हीरो मुझे लेके भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे हीरो मुझसे भी डर जाते हैं कि शायद मैं उनके साथ मैं उनको लेके ना भाग जाऊँ, तो ये उल्टा है। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुई जिसमें आपको लगा कि मम्मी ने हेल्प किया या आपको उनके रहने से मदद मिली हो? ऐसा कुछ मेजर तो नहीं हुआ, बट नॉर्मली मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं थोड़ा खाना कम खाती हूँ, मेरी मम्मी का रहने का यही रीजन होता है कि मम्मी जबरदस्ती भी ना गुस्सा करके प्यार से कैसे भी करके डांट फूट के खाना खिला दे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.